जब पवन सिंह की पत्नी ने ही पवन सिंह के कुछ ऐसे राजों से पर्दा खोला कि सब की हवाइयाँ उड़ गई। जी हाँ, पवन सिंह की बात यहाँ आज करेंगे और करेंगे ज्योति सिंह की बात। वैसे पवन सिंह को वुमेनाइजर कहा जाता है। पवन सिंह जब भी किसी फिल्म की नई हीरोइन के साथ काम करते हैं या किसी भी हीरोइन के साथ काम करते हैं तो उनसे उनका नाम जोड़ दिया जाता है। वैसे ये भोजपुरी के लिए नया नहीं होना चाहिए क्योंकि भोजपुरी की हर एक हीरोइन के साथ यही होता है। खैर, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ज्योति सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ मिलकर पवन सिंह की वो पोल खोली जो कि दुनिया को पता ही नहीं थी। आपको बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी हो चुकी थी। वो मुंबई आए और फिर उसके कुछ दिनों बाद ज्योति सिंह ने अक्षरा सिंह को कॉल किया और अक्षरा सिंह से अपने दिल के हर एक बात की। उनका कहना था कि वो तो इस शादी के लिए रेडी ही नहीं थी। और भाई, उस कॉल रिकॉर्डिंग में अक्षरा सिंह के सामने ज्योति सिंह ने कई ऐसी बातें कही जो कि कोई भी पत्नी अपने पति के लिए नहीं कहेगी। ये कई आपत्तिजनक बातें भी थी। उनका कहना था कि ये किसी की भी पत्नी को बेड पर ला सकते हैं। ये अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। और बातों बातों में बात उठी नीलम दीदी की, यानी कि पवन सिंह की दूसरी पत्नी की। जी हाँ, फिर तो बात भाई जब नीलम की उठी है तो इस रिकॉर्डिंग में सभी के कान चौकन्ने हो गए। सभी ने अब भाई ये सोचा कि पवन सिंह पे ये जो इल्ज़ाम लगता है उनके पत्नी के कत्ल का, कि भाई इसके पीछे उन्हीं का हाथ है, जबकि पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। भाई बार बार कहीं ना कहीं शक उन्हीं पर जताया जाता है, उन्हीं की वजह से नीलम सिंह ने इतना बड़ा कदम उठाया है। ये बात इस कॉल रिकॉर्डिंग से सच होती नज़र आती है। ये अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह की बात तब हुई थी जब पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी हुई, यानी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी के कुछ महीनों बाद। कुछ हरकतें नागवार गुजर रही थी। ज्योति सिंह नहीं चाह रही थी कि वो ये बात कभी भी किसी के सामने करे, लेकिन भाई कब तक अपने दिल में कोई ये सारी बातें रखता है। ऐसे में जब अक्षरा सिंह के साथ उन्हें अपना दिल खोलने का मौका मिला तो उन्होंने पूरी तरह से खोल दिया। भाई ये कॉल रिकॉर्डिंग तब लीक हुई जब अक्षरा सिंह और पवन सिंह की लड़ाई हुई। जी हाँ, जब इन दोनों का विवाद हुआ तो ये कॉल रिकॉर्डिंग सरेआम हो गई, कई यूट्यूब चैनलों पे चली। अक्षरा सिंह ने तो ये माना कि ये उनकी आवाज़ है, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये ज्योति सिंह की आवाज़ है, तब अक्षरा ने कुछ नहीं कहा, मुंह बंद ही रखा। लेकिन कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह की चुप्पी कई सवालों को जन्म दे रही थी। इस बारे में तो ज्योति सिंह ने भी कभी कुछ नहीं कहा, जबकि ज्योति सिंह भोजपुरी की सारे स्टार वाइफ्सों से ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उनके इंस्टा को ले लीजिए या फिर उनके फेसबुक को ले लीजिए, वो अपने से रिलेटेड हर पोस्ट को तवज्जो देती हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप्पी साधना ही बेटर समझा। वैसे बीच बीच में कई बार ऐसी खबरें आई कि पवन सिंह की माँ और पवन सिंह की पत्नी ज्योति के बीच रिश्ते बड़े तल्खियों में चल रहे हैं, वो दोनों एक साथ रहना पसंद नहीं करते। क्योंकि अब ये खबर भी आ रही है कि ज्योति सिंह ससुराल से ज़्यादा मायके में अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा समय बिता रही हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।